सेम क्वालिटी का होगा। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए एक आपको फ्रेश कंटेनर का जरूरत होगा, तो यहाँ पे एक ग्लास यूज कर रहा हूँ, उसके साथ एक चम्मच लिया हूँ। और फ्रेंड्स एक चीज कह देना चाहता हूँ, इसको करने से पहले आपका हाथ को बहुत ही अच्छी तरीके से धो लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ग्लिसरीन का जरूरत होगा, तो ग्लिसरीन बहुत ही कम लगेगा और मार्केट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसके साथ यहाँ पे आपको एलोवेरा जेल का यहाँ पे जरूरत होगा, तो अगर आपका घर पे कोई भी एलोवेरा ट्री है वहाँ से आप जेल निकल के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्केट से खरीदा हुआ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रहा हूँ। और उसके साथ यहाँ पे आपको थोड़ा एकदम मतलब बहुत ही कम आपको एसेंशियल ऑयल लगेगा। और सबसे जो मेन जो चीज़ है वो फ्रेंड्स यहाँ पे रब जो स्पीड होते हैं, जो सर्जिकल स्पीड होते हैं, वही नॉर्मल जो मेडिसिन शॉप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल आपको मिल सकते हैं। तो वहाँ से आपको इसको परचेस करना होगा, वही स्पीड आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे घर पे आप कैसे मिक्स करेंगे उसका क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्प्रीट का जो जितना क्वांटिटी आपका होगा उससे आपका हाफ क्वांटिटी आपका यहाँ पे एलोवेरा जेल को यूज़ करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक कप मैंने लिया है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो स्प्रीट है स्प्रीट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं हाफ कप यहाँ पे स्प्रीट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे फुल कप यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे अभी ग्लास पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास पे डाल दिया है। और अभी मैं यहाँ पे जो पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है उसको मैं यहाँ पे अभी डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे हाफ कप यहाँ पे यूज़ किया है, उसका मेजर के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी मेरा सेट करना होगा। तो यहाँ पे छोटा स्पून का देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा स्पून थोड़ा छोटा है, तो ये छोटी सी स्पून का यहाँ पे दो चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, दो चम्मच के ढाई चम्मच यहाँ पे पतंजलि यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो दो चम्मच हो गया है, और अभी यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे डाल देता हूँ। और अभी यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स करना है। तो अभी इसको मिक्स कर सकते हैं, बाद में भी मिक्स कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे ग्लिसरीन यहाँ पे मिक्स करने वाला हूँ, तो यहाँ पे एक चम्मच यहाँ पे ग्लिसरीन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्पून, मैं पहले ही बोला था कि यहाँ पे मेरा स्पून छोटा है, तो यहाँ पे मैं एक चम्मच यहाँ पे ग्लिसरीन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको घोल लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स मेरा हो चुका है, थोड़ा बहुत यहाँ पे बाकी है अभी। और अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एसेंशियल ऑयल यूज़ करने वाला हूँ, तो कोई भी एसेंशियल ऑयल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल हो सकते हैं, बादाम ऑयल हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सैंडल ऑयल हो सकते हैं। और ये बहुत ही कम लगते हैं, ऑप्शनल है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 यहाँ पे ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपका क्वांटिटी के हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स ये सिर्फ खुशबू लाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा लगभग रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे हाथ पे डाल के मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे टेस्ट करता हूँ।